standing right here, eyes clear with my mind clear, never been clear, homie up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every dance of my ever pouring now, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, to get rid of the sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head. I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath without my nose and head. Heart doesn't go, the trend faster it goes instead. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your wrong. तो और मेरे वालों क्या हाल है यार, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा यार। तो यार आप तुम लोग मेरे से पूछोगे कि भाई रोस्ट वीडियो की कहा था तो पबजी का गेम प्ले क्यों डाला। अब मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा पबजी का रोस्ट वीडियो, क्योंकि भाई सीन ऐसा हुआ क्योंकि एक्चुअली रोस्ट वीडियो में लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं जल्दी डाल दूंगा, बस मैं ट्राई करूंगा जल्दी डालने का। तब तक मैंने सोचा कि भाई पबजी का गेम प्ले डाल देते हैं और इसके बाद पक्का एक रोस्ट वीडियो आएगी, तो टेंशन मत लेना। फिलहाल बात कर लें हमें अपने गेम प्ले की, तो यहाँ पे उतरते ही टाइम मेरे को मिल गई थी डीपी और स्कारेल, मतलब बंदों पर पुश करना तो बनता ही है बॉस। तो यहाँ पर मैंने अपनी डीपी ली और उसको रीलोड करने लगा, और भाई मैंने अपना स्कोप भी लगा दिया। फिलहाल जो भी हो, अब यहाँ पर मेरे को साथ एक साई सीन होगा, क्योंकि इस गेम प्ले में किल्स तो बहुत हैं, लेकिन भाई इसमें जो है जो मैंने कारनामे किए हैं ना, अगर तुम देखोगे तो भाई कहोगे कि भाई क्या किया भाई, मतलब एक क्या ही करे। फिलहाल जो भी हो, एक गॉड भाई ने टोंक दिया था, तो बट अपने को भी एक टोंकना था, तो यहाँ पर मेरे को एक थ्री स्टोरी में बंदा मिला, ये भाई साहब शॉटगन दिए। अब इसकी एक भी शॉटगन कनेक्ट नहीं हो रही थी, वरना मैं जाता और मेरी डीपी रीलोड में आ गई और मैं यहाँ पे पैनिक कर गया। मैंने जहाँ था इसको जैसे तैसे मार दिया, अगर भाई इसकी एक भी डीपी में कनेक्ट हो जाता वो को मेरे हेड पे हेलमेट नहीं था, वरना मेरा भाई कचुम्बर बन जाता, तो उसकी एक गोली लग जाती ना भाई शॉटगन की, तो भाई मैं जाता और गॉड भाई मेरे से दूर थे तो वो मेरे को बचा भी नहीं पाते। तो फिलहाल जो भी हो, ये पबजी की तरफ से एक जीवन दान सा मैंने समझ के रख लिया, और भाई आगे मैं ऐसी गलती बहुत करूँगा भाई, बस देखते जाओ बस। तो फिलहाल जो भी हो, यहाँ से एक बंदा निकला, बंदा कह लो गॉड कह लो जो कहना वो कह लो, लेकिन ये वाला खेल भाई मेरे गॉड भाई ने चुरा लिया। अब डैमेज मेरा था, पता नहीं कैसे इन्होंने चुरा लिया। अब यहाँ पे मैं इनसे कह रहा था भाई ले जाओ मेरे किल सारे, तुम ले जाओ, मैंने आपके यहाँ क्या करने आए, मजाक करने आए ना। तो भाई जो भी हो, मैंने कह दिया कि भाई चलो ठीक है अगली बार हम ले लेंगे किल इनसे। तो जो भी हो, अब गॉड भाई को बंदे देख गए थे और इन्होंने कहा भाई मार, तो ये झोपड़ी से जा रहा था बंदा, मेरे को क्रॉस करते हुए भी दिखा। अब ये गॉड भाई ने कहा भाई इसको तू मार, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये मेरे को किल वरदान में दे रहे, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते वरदान में किल। अब भाई किल तो लेना बनता है, अब इन्होंने मारा नहीं था इस वजह से क्योंकि ये बॉट था, और हाँ मैंने अपने बॉट को मार के केडी वेंडी मेंटेन कर ली। जो भी हो, फिलहाल यहाँ से एक बार फिर से फायर आया था और मैं भाई पहुँच गया डीपी पर स्विच करके, भाई पुश कर, भाई मैंने अनभव पुश किया इस गेम में, बस देखते जाओ। जो भी यहाँ पर ये बॉट, एक बॉट कह लो या फिर जो भी कह लो बंदा था शायद, तो ये भाई एक किसी को नॉक कर दिया था भाई, और इसने मेरे को नहीं देख पाया, तो मैंने इसको नॉक कर दिया और मेरे को फिर से फुट स्टेप आने लगे। अब मेरे को नहीं पता कि भाई बंदा था, अब इसने इसको नॉक किया, तो मैंने यहाँ पर देखा जाओ, मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ पे एक और मेरे को फ्री किल मिल गई, और भाई यहाँ पे मेरे चार किल्स ईजली, बहुत ही ईजी हो गया। अब देखो हम लोग कोचिंग की क्लियर कर पाते कि नहीं। सर जो भी हो, कोचिंग की क्लियर करने की छोड़ो भाई, जो भी हो मैंने यहाँ पे बैकअप की नहीं, ये 1v2 क्लच कर दिया इजली, भाई लग तो रहा था भाई मैं जाऊँगा, लेकिन जो भी कहो बंदों ने फायरिंग बहुत देर से करी थी और मैंने इजली इनको टपका दिया था। जो भी हो, मैंने अपना तवा वा उठा लिया और एमो उठा ली डीपी की और आगे बढ़ने लगा, और 5 की एमो ले गए थे गॉड भाई, और मेरे पास थी शायद 30, तो मैंने कहा भाई क्या है, मतलब इससे क्या कुछ मारूंगा क्या, मार तो पाऊंगा नहीं। जो भी मैं फिलहाल यहाँ पे मैं हील करने लगा और गॉड भाई से मैंने 5 की एमओ मांगी और उन्होंने दे दी, तो भाई अब तो भाई पुश करना इजली बनता है। देखो भाई एमओ आ गई थी, और लेकिन हेलमेट नहीं था, तो उसी का एक डर था कि भाई हेलमेट चाहिए बस, अगर हेलमेट नहीं होगा तो कोई भी एक ईजली हेड शॉट कनेक्ट हो गया तो भाई जाएंगे।
फिलहाल जो भी हो, यहाँ से फायरिंग की साउंड हो रही थी, लग तो बहुत फायर आए थे लेकिन थे बंदे। और यहाँ पर मैंने एक हाईएस्ट आरपी प्लेयर को मारा है, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको नॉक किया और इसके टीममेट ने मेरे को नॉक कर दिया। होगा गॉड भाई का कवर मेरे साथ अच्छा था तो इन्होंने मेरे को मार दिया। अब मेरे को वो बंदा इस वजह से नहीं दिखा क्योंकि भाई वो झाड़ियों में सांप बना ऊपर, तो भाई वो एकदम से खड़ा हो गया और मैंने उसके टीममेट को तो नॉक कर दिया लेकिन उसको नहीं देख पाया भाई मैं, वरना दोनों किल्स मेरे ही खाते में जाते। जो भी यहाँ पर अपने गॉड भाई ने अपने को ईजिली रिवाइव दे दिया था और मैं भी बढ़ गया, अपना हेल्थ वेल्थ लगा के आगे बढ़ने लगा था। और भाई उसको मेरे का इसको हाईएस्ट आरपी वाले को मार के भाई मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का हो रखा था भाई। मेरे को बस लग रहा था अपने छह भगवान अपने। कल जो भी हो गॉड भाई ने मेरे को कॉल दे दी कि भाई इसके पास M4 है दूसरे वाले बंदे के पास, तो भाई मैंने कहा मैं क्या पूछ भाई M4 पे करेंगे स्विच। और भाई अपना बीस्ट मोड आ चुका है, बस देखते जाओ भाई कितने किल्स कर पाते हैं हम लोग इस गेम प्ले में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपना फालतू वालतू का सामान देख रहा था क्या क्या है और मैं एनर्जी ईजली मार रहा था कि भाई मेरे को चाहिए था और भी किल्स। तो भाई मैंने कहा भाई एक भी बार देर निकलते और सीधा निकलते हैं भाई कोचिंग की से और किल्स सेल्स कर लेते हैं। तो फिलहाल जो भी अब आगे से और मैं पीछे से हर जगह से नज़र रखे थे कि तभी ये बॉट आ गया और इसको ईजली मार दिया। अब ये नॉक हुआ था तो मेरे को एक बार डाउट हुआ कि ये भाई बंदा तो नहीं है, लेकिन भाई देखते जाओ बस। जो भी हो मैं यहाँ पे TPP लेकर रहा था और देख रहा था कि भाई बंदा कहाँ पर हो सकता है। पहले मेरे को बंदा लगा था डेडफली और इसका टीममेट आया भी, मतलब बॉट वालों के भी टीममेट आ रहे हैं भाई, इससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट क्या सकता। फिलहाल जो भी हो मैं इतना एग्जैक्ट इस वजह से रीड कर पाया क्योंकि भाई एक तो फुटस्टेप आ रहे थे और प्लस वो नॉक हुआ था। तो जो भी हो एक किल मेरे गॉड भाई ने ले लिया और एक किल मैंने ले लिया, तो मैंने कहा था भाई दोनों किल गॉड भाई के पास चले गए। जो भी हो एटैक्स उठाने के लिए सो हम लोगों को Kar98 मिल जाती, तो मैं गॉड भाई को कॉल देता तो भाई Kar98 चलाओ। और भाई इनकी स्नैपिंग ज़बरदस्त है, बिल्कुल एकदम मक्खन की माफिक। मैंने एटैक्स सब ड्रॉप कर दिया था भाई Kar98 चलाओ, भाई एक ऑटो गन रखो एक Kar98 चलाओ। और मैं तो भाई आज छूँगा नहीं, मैंने तो दोनों ऑटो ही गन रखी। तो जो भी हो फिलहाल यहाँ पे मेरे 9 खेल हो चुके थे और भाई अब मेरे को आगे बढ़ना था। जो भी हो अब यहाँ पे फायरिंग फिर से होने लगी और यहाँ पे ये बॉट हमको इजीली 10 किल करवा जाते हैं। अब इस 10 किल के बाद यार मैं MMO में उठाने लगता हूँ और आगे बढ़ने की सोच रहा होता हूँ कि भाई अब मैं अपना सारा जो सामान होता है वो मैं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरा बैकपैक फुल हो गया था। तो मैंने भाई यहाँ पे एक मार्क लगा दी कि भाई स्मोक्स रख लो बस भाई अब देखो। तो अब हम लोगों को जाना था भाई कोचिंग की बार क्योंकि भाई चाहिए थे किल्स और इजली मेरे 10 किल्स तो हो गए, तो भाई अब और भी चाहिए थे ना भाई। यहाँ पर एक और आ जाता है बॉट भाई है, तो मैं इनको कहता हूँ आ जाओ भाई मेरी हथेली में आ जाओ। अब तुम लोग ये मत सोचना कि भाई सारे बॉट ही मिल रहे हैं, बहुत बॉट मिल गए भाई, आधे से ज़्यादा बॉट ही किल है, ये मत सोचना भाई। तो यहाँ पर मैं अपना बंदों के भी बहुत सारे किल हैं भाई, ये मत सोचना कि सारे बॉट ही बॉट हैं। फिलहाल एमओ देने के वक्त भाई मेरे साथ ये होता है, बस देखते जाओ भाई। यहाँ पर मैं अपना सब कुछ मतलब एमओ और 6x गिरा देता हूँ कि तभी मेरे ऊपर फायर होता है। मैं लाइट ओके यहाँ पर वहाँ घूमने रखता हूँ, फिर से एक बार फायर हुआ तो यहाँ पे एक और इजी खेल भाई आपने खाते को। फिलहाल मेरे यहाँ पे अकेले कोचिंग की कोचिंग में मेरे 12 किल हो गए थे अकेले कोचिंग की के कह रहा हूँ। हाँ तो अब मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि भाई आगे निकलेंगे और बंदों की तलाश में, फाइनली कोचिंग की से बाहर निकलेंगे क्योंकि भाई हम लोगों को लग रहा था कोचिंग की पूरा खाली हो सकता है और भाई कोचिंग की पूरा खाली भी हो गया। तो अब हम लोग मैं गौ भाई से कह देता हूँ भाई गाड़ी ले आओ हम लोग निकलेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर आ गई थी हम लोगों की गाड़ी और बन गया था येलो जोन। हाँ मेरे में येलो जोन दिखा रहा है, वैसे वो तो रेड जोन है, रेड जोन बन गया था और हम लोगों को अब कोचिंग से निकलना था। हालांकि जोन था कोचिंग की में ही और भाई देखते जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई और बंदों की तलाश करेंगे, जोन से बाहर होके भी जाना ही होगा क्योंकि भाई किल चाहिए थे भाई। लालच बहुत बुरी चीज़ है, समझा करो। फिलहाल अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा एक रेस 3 के स्टंटमैन से, ये देखो भाई
ये था वो बंदा जिसने रीसी के स्टंट डायरेक्ट की है, मतलब स्टंट बनाने में हेल्प की है भाई। ये मतलब बंदे के मुंह के सामने स्लाइड मार के गाड़ी रोका है, वो तो अच्छा हुआ ये बॉट था, वरना भाई जिस तरह से इन्होंने कॉल दी थी ना भाई, मैं बहुत पैनिक कर गया था भाई। फिलहाल जो भी यहाँ से एस्केप चल रही थी और फायर भी हो रहा था, तो मैं समझ गया था कि भाई ये बंदे ईजिली हाथ आने वाले होते हैं। और यहाँ पर मैंने एक को डैमेज दिया था, बस एक गोली छुई थी और यहाँ पर मैं इनके से नॉक हो जाता, तो भाई मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई वो पेड़ के पीछे, लेकिन वो बंदा मेरे पे पुश नहीं करता। अब यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब मैं नॉक था तभी उनको पुश करना चाहिए था। अब वो लोग समझ रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है एक ओपी क्लच जो करता है, ऑब्वियसली मैं नहीं करता हूँ भाई क्लच। अब देखो बस यहाँ पर कुछ स्टेप आ रहे थे तो मैंने ऐसे किया भाई, एम के ने फिर से मरवा दिए और इस बार भी बॉडी लगा था भाई। मैंने कहा था उसको मार मार और घोट भाई ने उसको फेल लिया। और यहाँ पर एम के वाले को नॉक करने के बाद भाई मैंने कहा भाई रिवाइव दे जल्दी दे, वरना उसका टीम मेट आके फेल लेगा। और उसके फुट स्टेप भी आ ही रहे थे हम लोगों को, तो हाँ मैंने डिसाइड किया भाई ज़्यादा छोड़ में नहीं जाऊँगा, मैं अपना फील करूँगा और गॉड बाई सिचुएशन को हेलमेट हैंडल करेंगे हेलमेट पर। तो फिलहाल जो भी हो दोनों किल गॉड बाई के खाते में चली जाती हैं, तो सब टीम में तो उनका कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक बॉट आ जाता है जिसके पीछे से परेशान करने भाई। मैं फिलहाल इस बॉट को मार के मैंने अपना KD मेंटेन कर लिया था और गॉड भाई को मैंने कॉल दे दिया था पहले ही, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी। तो भाई मैंने कहा था कि भाई एक को जिसको मैंने अभी एक बुलेट लगाई थी, और गॉड भाई कहते हैं कि भाई सामने बंदे हैं, मैंने कहा हाँ भाई मैं भी जानता हूँ सामने बंदे होंगे, तो भाई बस देखते जाओ। ये टीममेट आया मेरे को मारने का मौका ही नहीं मिला, जितने टाइम में मैंने स्कोप खोला उसने में गॉड भाई इसलिए उसको मार दिया। और गॉड भाई बस एम के वाले को भी पेल लिया, और भाई उसका टीममेट भी जो एम के लेके जा रहा था उसको भी पेल के आगे बढ़ते गए। तो फिलहाल जो भी हो एम के रख ली थी गॉड भाई ने, मैंने कहा रख लो भाई, लेकिन एम के रखने से होता क्या भाई, किल्स तो मेरे ही होंगे, बस देखते जाओ बस किल्स कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पर बूस्टर लगाने लगा था भाई, मेरी जरा वेस्ट की हालत देखो, मतलब पूरी लाल हो रखी है। और मेरे को भी पता था कि भाई मैंने और भाई को कह दिया कि भाई मेरे को चाहिए एक वेस्ट, क्योंकि मेरी पूरी वेस्ट लाल हो चुकी है, और उन्होंने भी कहा कि मेरी भी लाल हो गई एकदम। तो भाई हम लोग कुछ करनी थी वेस्ट चेंज, और हम लोगों को जाना था बस अब एयर ड्रॉप पे, क्योंकि भाई लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट चाहिए थी। और दूसरी बात ये थी कि ड्रॉप पर आते हैं बंदे यानी किल्स। और अब यहाँ पर जोन एकदम सही बन चुका था, मतलब गाड़ी जहाँ पर पार्क की थी वहीं पर बन चुका था, और यहाँ पर हमको एक और इजीली किल मिल जाता है। बस ये देखो जिसको मैंने नॉक किया था उसका किल आ चुका था, तो भाई मेरे यहाँ पे हो चुके थे 14 किल्स। तो मैं आगे बढ़ने लगा भाई, अब ड्रॉप के पास भी चलना देखो ज़रूरी है, क्योंकि भाई बंदों की ज़रूरत है और वेस्ट की भी। फिलहाल यहाँ पर देखो एक और स्टंट, जो भी हो आप फिर से जोन बन चुका था पोचिंग की में, और पोचिंग की साइड से आप फायर भी आ चुका था, तो भाई अब जाना तो बनता था बस। अब ये सामने बंदा देखा तब वेस्ट थी कि सलमान खान ने इसको क्यों नहीं टोका, आई डोंट नो कि जो भी हो अब आपने वो इसको टोकना था। और भाई ये बंदा मेरे हाथ से चढ़ा ही नहीं, बस मेरे को इसके फोर्स आ रहे थे और गॉड भाई कह रहे कमरे में। मैंने कहा भाई कहाँ पर है भाई, मेरे को ये बंदा और जो भी हो यहाँ पर एम के का फ़ायदा उठाते हुए भाई गॉड भाई मेरे से खेल ले गए। और वो मेरे को कहते भाई मैं तेरे कॉल दे रहा था कि तुमने क्यों नहीं सुना। अब यहाँ पर मेरी वेस्ट फिर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो मैं अब आगे डिसाइड करता हूँ कि भाई आगे जाते हैं कि तभी गॉड भाई अब मेरी M4 की एक गोली लगी और गॉड भाई मेरे से कहने लगे भाई मार। अब ये बंदा यहाँ पर लेट गया भाई, क्या मतलब लेट हो गए और हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्या, मतलब इतना तो टीममेट बचा ही लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत पैनिक किया था मैं जानता हूँ, वरना मैं उनको गेट पर ही मार देता, लेकिन जो भी इजली इसको मार दिया और गॉड भाई को कह दिया भाई हेल्थ लगाओ, मैं भी हेल्थ लगाता हूँ। अब यहाँ पर आता है इसका टीममेट जिसको अभी मैंने मारा था, और वो मेरे से बदला लेने आता है और वो मेरे को नॉक करके इस वजह से चला जाता है, क्योंकि भाई मैं अपनी DP रीलोड करने लगा था, मैं उस पर फायर ही नहीं कर पाया। अब मैं फायर बटन पर क्लिक तो कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था,
इतनी वो उसका पूरा पूरा मूड था भाई मेरे को खा जाएगा, लेकिन गॉड भाई ने फिर से हम लोग को एक बार जीवन दान दे दिया और भाई इजली बचा लिया। अब यहाँ पर मैं इस वजह से और मर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी वेस्ट पूरी डैमेज थी। भाई क्या कर सकते हैं, वेस्ट पूरी डैमेज है। जो भी हो आप अपने को इसको इजली लूट लिया और हेल्थ वेल्थ मेड के डाइट के एनर्जी ड्रिंक सब कुछ लेके आगे बढ़ने लगे। और मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ भाई यहाँ मैं हेल्थ लगाऊँगा और बूस्टर भी लूँगा, क्योंकि भाई एक तो हम लोग को चाहिए थी वेस्ट, तो अब हम लोग फाइनली अपने ड्रॉप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई स्किल्स भी चाहिए थे और भाई ड्रॉप पे अच्छा सा वेस्ट भी मिल जाएगा और हेलमेट भी जैसा। अब हम लोग फाइनली ड्रॉप की तरफ इस वजह से भी जा रहे थे क्योंकि भाई जोन भी चला गया था कोचिंग की से और मेरे बेस्ट भी आ रहा है देखो ज़रा, मतलब 2% बची है लिटरली। और मैं बस वेस्ट को ही देख रहा हूँ कि भाई आपकी बार नॉक हुआ ना तो बेइज्जती हो तरह। तो अब हम लोगों को जाना था अपने ड्रॉप की मंजिल में, अब उतना तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, इस वजह से जल्दी जाओ फर्स्ट फ्लोर में देखो ठीक। तो यहाँ पर गौर भाई मेरे को दे देते हैं कि भाई छा जाके लूट ले और यहाँ पर मिलते हैं और मतलब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता था यार, मेरा काम था और सिर्फ एक वेस्ट और हेलमेट से जो कि मेरे को मिल चुका था। और अब हम लोगों का प्लान ये था क्योंकि भाई ड्रॉप गिरा तो बंदे आने चाहिए और भाई हम लोग यहाँ पर बहुत देर तक हंट भी करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही ओपन ओपन में घूमते रहते हैं और भाई लिटरली हम लोग यहाँ से एक इंच मतलब ऐसे ही को ज़्यादा नहीं हिलते हैं, एक पास में एक आध और एयर ड्रॉप गिरता है उसको लूटने जाते हैं बस। और भाई पूरा जोन इसी एयर ड्रॉप के भाई इतने ही जगह में बना हुआ था, तो हम लोग के लिए एक फ़ायदा था कि भाई एयर ड्रॉप इधर इधर है, बंदे आएंगे तो हम लोगों को इसलिए उनको किल कर देंगे, हम लोग उनके शिकार के लिए बैठे थे ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि भाई बंदे यहाँ हम लोग उनको पेल। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपनी फाइनल प्रेडिक्शन रिडिक्शन कर रहे थे भाई बंदे हो कहाँ सकते हैं और भाई कहाँ होंगे। तो फाइनली बहुत देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर आ जाता है बंदा और भाई हम उसे इजली लुढ़का देते हैं, ये तो बहुत था। और यहाँ पर एक बहुत मतलब एक और बंदा आता है वो एयर ड्रॉप को देखते हुए आता है, एक्चुअली एक और सामने पहाड़ पर गिरा था तो वो उसको देखते हुए आता है, तो भाई देखो वो उसके मतलब कौन सी थकेली थकेली गन चला रहा था, मतलब उससे क्या भाई क्या मार देगा इसलिए भाई देखो बस। तो अब यहाँ पर मैं आसमान की ऊंचाइयों में ये देख रहा था कि भाई दुबे जी कहाँ पर अपना डब्बा गिरा कर गए हैं, तो तभी यहाँ पर एक बंदा DBS से फायर कर, मतलब सीरियसली यार इतनी दूर हम लोग खड़े हैं और तुम DBS पर फायर कर रहे हो, क्या घंटा हम लोग एक बुलेट टेस्ट करेगी भाई। मेरे को नहीं पता था इस बंदे ने अलग ही तरह के नशे कर रखे थे, क्योंकि भाई ये ड्रॉप में लूट कर भाई DBS इतनी दूर से कैसे चला सकता है। तो भाई जो भी हो इसको इजली हम लोगों ने मार दिया था और मैंने गौर भाई को कहा भाई आप जाकर ले लो मतलब वो ड्रॉप ले लो और अपना हेलमेट वेस्ट ले लो, तो भाई मैं उनको कहता हूँ भाई गाड़ी में चलो, उन्होंने कहा भाई फ्यूल ख़त्म हो गया, तो मैं उनके पास जितना फ्यूल था उतने में आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पर भी बस देखो कौन सी गन निकलती है, तो भाई मैं चेक करने बस उनसे पूछता हूँ भाई कौन सी गन है, वो उनको लूटने देता हूँ भाई पूरा ले जाए भाई, क्योंकि भाई उन्होंने मेरे को बहुत सारा भाई केल भी दे दिया पूछने कि मैं एक अपना और भाई ड्रॉप भी लूटने दिया था। तो भाई यहाँ पर उनको एक एयर ड्रॉप देना तो भाई जरूरी था, तो भाई मैं उनको एयर ड्रॉप दे देता हूँ और इसी बंदे की गाड़ी में आ जाता हूँ और उनसे कहता हूँ भाई तुम ड्राइव करो, क्योंकि भाई ड्राइवर को ये केल नहीं मिलते हैं भाई, केल से मैं समझौता मैं नहीं करता और ऐसी बात भी नहीं थी भाई, वो अच्छे मूड में थे तो इस वजह से मैंने भाई इजली उनको भाई कह दिया कि भाई ये तुम कह रहे लो केल्स, तो भाई मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर मैं उनसे कहता हूँ कि ये बंदा 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 थी वो मोटरसाइकिल, तो भाई मेरा
पोपट हो गया एक तरह से, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था भाई वो बंदा है अगर बॉट में जैसा मेरे को लग जाता, लेकिन थी वो मोटरसाइकिल। भाई कई बार तुम लोग भी कमेंट्स में बताओ भाई, कई बार ऐसा लगता है कि भाई दूर खड़ी हुई बाइक लगती है कि भाई ये बंदा है। तो भाई मैंने ऐसी क्रॉस चेक निकली बाइक जाता हूँ। फिलहाल जो भी यहाँ पर ही बन गया था अपना ड्रॉप पे ही जोन बन गया था, तो भाई एंड तक भाई यहीं पे रहने वाला था। तो हम लोगों ने कहा भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किस्मत साथ दे रही है तो भाई ईजिली जीत भी सकते हैं। और बंदे बचे थे सिर्फ दो, हम दो थे और हमारे दो नहीं थे, सॉरी भाई। एक बंदा तो उसमें पता नहीं कैसे मर जाता है और भाई अगला वाला बंदा पता नहीं कैसे मर। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपना इजली अपना स्कोप इसको घुमा के देख रहा था भाई आएगा कहाँ से कहाँ से। फिलहाल जो भी हो उस आखिरी वाले बंदे की भी मौत उसकी बुला ही रही थी, तो वो 1v2 क्लच करने की कोशिश तो करता है लेकिन भाई कुछ कर जाता नहीं पाता। तो जो एक बंदा आया और भाई मैंने उसको ईजली मार दिया, एक और इजी चिकन अपने खाते में आ चुका है। सो आई होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए होगा, अगर तुम लोगों को पसंद आए लाइक सब्सक्राइब मान देना और मैं मिलूंगा तुम लोगों को नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।